हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक है और इसमें इंडिकेटर बजर लगाना है। मैं आप लोगों को पहले जो चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ, इंडिकेटर चालू करके। इसमें बजर नहीं है, देखो इंडिकेटर चल रहा है। ये देखो इसमें जो बीप की आवाज़ आती है, बीप का साउंड आता है, वो नहीं आ रहा है। तो वही बीप का साउंड हमको इस बाइक में लगाना है। ये रहा बीप बजर, जो इंडिकेटर बजर जिसको बोलते हैं, इसको मुझे लगाना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी वायरिंग कैसे करना है, किस जगह पे लगता है, कैसे लगाना है, पूरी जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में दूंगा। आप लोग वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो हमको राइट साइड का पैनल खोल लेना है, ये वाला राइट साइड का साइड पैनल। एक स्क्रू यहाँ पे होता है, ये एक स्क्रू यहाँ पे होता है। दो स्क्रू मैंने खोल लिया है। अब इसका जो पैनल है वो आराम से इस तरीके से निकाल के साइड में रख देंगे। ये पैनल निकल गया। अब इसके बाद हमको खोलना है इसका चार्जर, बैटरी चार्जर इस जगह पे लगा होता है। 10 नंबर के पाने से या टी से बैटरी चार्जर को खोल लेना है। ये मैंने देखो इसे खोल लिया, बोल्ट निकाल लेता हूँ बाहर, ये निकल गया। अब यहाँ पे हमारा फ्लैशर और बजर दोनों लगा रहता है। ये देखो ये फ्लैशर है और यहाँ पे बजर पड़ा हुआ है, शायद वो खराब ही हो गया। ये देखो वायर टूट टूट के निकल रही है और ये बजर देखते हैं पुराना वाला, ये रहा। तो ये तो बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल ख़राब। देखो ये हर जगह से फट गया है। तो नया इसमें बजर इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से लगाना है। वायरिंग वगैरह पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोग घर पर ही इसे लगा सकते हो। तो चलो इस फ्लैशर को पहले बाहर निकालते हैं। ये निकल गया। अब इसमें जो बजर है, बजर में ध्यान देना है, दो वायर हैं। तो जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर वाइट वाले में लग जाएगी और रेड वाली जो वायर है वो ब्लैक में लगाना है। चलो मैं इससे पहले लगा लेता हूँ, इस तरीके से लगाना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा वायर किस में मैंने लगाया है। एक यहाँ पर फंसाना है, एक यहाँ पर फंसा के इसे थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। ये अब ये हो गया, बस इसे पकड़ के रखना है और बस इस प्लग में लगा देना है। ये देखो लग गया। अभी इसे चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल आराम से, अब इसकी वायरिंग आप लोग समझ लो। देखो जो रेड वाली थी, रेड वाली मैंने ब्लैक में लगाया है। ये देखो ब्लैक में लगाया रेड वाली और ब्लैक वाली इसमें लगाया जो हल्की वाइट है, ये हल्की वाइट है, इसमें ब्लैक वाली लगाया। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग करना है बजर की। और अगर इस तरीके से ना चले तो वायर को अल्टी पल्टी कर लेना, चलने लगेगा। इसे यहाँ पे लगा देते हैं, इस ये यहाँ पर रखा हुआ था। बाकी इसमें रबर लगी होती, वो रबर है ही नहीं इसमें, तो बिठाएंगे नहीं, बाकी ये गिरेगा नहीं। इसका जो ये चार्जर है, चार्जर को लगा के यहाँ पे इसे टाइट कर लेते हैं। चलो 10 नंबर का बोल्ट होता है, 10 नंबर की टी होगी तो आराम से खुल जाएगा। अगर पाना या रिंच होगी तो फिर टाइम लगेगा, खुले या ना खुले, लेकिन टी से जो है ये बहुत जल्दी खुल जाता है। तो मैंने इसे टाइट कर दिया चार्जर को। ये होता है बैटरी चार्जर, जो बैटरी को चार्ज करता है वो चार्जर है ये। अगर ये ख़राब होता है तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होती है। इसका साइड पैनल है, साइड पैनल में दो स्क्रू, एक यहाँ पर ये और एक सीट के पास है, वो लगा के टाइट कर देते हैं। और फिर एक बार और इसका जो बजर हमने लगाया वो चीज़ चेक कर लेते हैं। हमने बाहर से चेक किया, लगाने के बाद अभी चेक नहीं किया, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। साइड का पैनल टाइट करते हैं और लगाने का यही प्रोसेस है, आराम से लगा सकते हो घर पे ही, इसे लगा के चेक कर सकते हो। चाबी ऑन है, देखो आवाज़ आ रही है, सुनो चल रहा है। तो बजर किस तरीके से लगाना है ये मैंने आप लोगों को बताया। ये बजर को आप लोग लगा सकते हो, मार्केट में मिल जाएगा आप लोगों को 25 से 30 रुपए के बीच में। बाकी इसकी प्राइस पे मत जाना, प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखो प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस पे मत जाना, 25 से 30 रुपए का मिल जाता है। और मेरे पास भी, मैं भी इतने में ही लगा रहा हूँ। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।